अस्सलाम वालेकुम सर जी, क्या हाल है। मैं मिर्ज़ा बिशारत बात करता हूँ फैसलाबाद से। फैसलाबाद का इलाका है एक चिश्तिया पार्क मलका रोड के ऊपर, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। और मैंने आपको वीडियो भेजी थी, आज ये बना कर भेज रहा हूँ, आज ये ओपन करके दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि मैं एक देसी ये बंदा पढ़ा लिखा नहीं, बिल्कुल डिशों का नॉलेज रखता हूँ। मैं डिशों के नॉलेज के लिए मैं जो ना डिशें वगैरह लगाता हूँ, और साथ में रिसीवर वगैरह छोटा मोटा फॉल्ट हो तो उसका भी मैं रिपेयर कर लेता हूँ। छोटा मोटा फॉल्ट भी जो जिसका ज़्यादा बड़ा मसला हो तो फिर वो मैं नहीं, सर मुझे इतना नॉलेज नहीं है, क्योंकि मैंने मीटर वगैरह शॉप से हर चीज़ जाकर रखी, नहीं तो रखी हुई शॉप बहुत शुरू से। और ये मैंने बोर्ड लगाया सर, ये जो बोर्ड है ये देखे मैंने, ये बोर्ड अली 35 वाला बोर्ड मेरा ख्याल है। ये मैं आपको इस तरफ कर देता हूँ, इसकी जो वीडियो है ना मैं उसको अली 35 और ये एस 1506 वाला है, मुझे नहीं पता कौन सा अच्छा बोर्ड है। और साथ में मैंने ये जो इसकी सप्लाई लगा दी, ये मैंने साथ सप्लाई लगा दी। सप्लाई से मैंने हट के एक ये छोटी 12 वोल्ट की किट होती है, ये छोटी साथ में ये मैंने लगा दी 12 वोल्ट की। इससे मैंने सप्लाई के वोल्ट्स को दिए, और इससे मैंने 12 जो है जो वोल्ट आने वो उसको मैंने इसके बोर्ड को दे दिए। बोर्ड ऑन करा के मैंने फिर सोचा कि इसको जो ना थोड़ा जगह इसमें स्पेस कम है, और इसकी जो ना हीटअप जो होता है उसका भी मसला होना चाहिए। फिर मैंने एक ये छोटा फ़ैन लगा दिया, पंखा लगा दिया इसका जो हीट बाहर निकालने के लिए, वो भी मैंने लगाया। फिर उसके वोल्टों का मसला बोल सोचा कहाँ से वोल्ट दूँ उसको, क्या मसला कैसे हल करूँ, 12 वोल्ट देता हूँ बैटरी पे लोड। फिर मैंने सोच के इसको मैंने ये जो मेरे सप्लाई के वोल्ट आते हैं ना, मैंने ये सप्लाई से वोल्ट लिए, इससे जो मेरे 16 वोल्ट आते हैं 16 वोल्ट से मैंने जमा और नफी इसको फाइन को दे दिए, और ये भी चल गया मेरा, ज़बरदस्त काम हो गया। उसके अलावा मैंने ये स्पीकर्स के जले हुए छोटे और थे, लेकिन वो अच्छे नहीं थे, आवाज़ बहुत कम थी, मैंने फिर वो यहाँ से दोनों स्पीकर उतार के ये जैक लगा के उनको दोनों को, और ये स्पीकर भी मैंने इस तरफ लगा दिए। ऑडियो वीडियो मैंने इसलिए नहीं निकाली क्योंकि मुझे बाहर डिशें वगैरह सेट करने जाना पड़ता था, तो कोई ऐसी जगह पर जाना पड़ता जहाँ रिसीवर दूसरा किसी का मसल ना टीवी के साथ लगाकर मैं इसको चेक कर सकूँ, या कोई और रिसीवर लगाना पड़े, इसलिए मैंने इस तरफ लगाने का ये सोच लिया इन लगाने के लिए। और ये जो मैंने दिया है इसको बटन, ये मैंने दिया 12 वोल्ट का, ये जो ना 12 वोल्ट मैंने 12 वोल्ट की जो डॉक्टर लगाता हूँ ना बाहर से लगा कर ओपन बैटरी लगा कर यहाँ से, और ये इसको ऑन करा देता है, इसकी ये मतलब इसके थ्रू ये चल जाता हमारा बोर्ड वगैरह चल गया। और ये जो मैंने बटन लगाया एक इसकी तरफ, ये बटन जो है ये मेरा एसी और बिजली का जो एसी का है वो जा रहा है सीधा इस सप्लाई को, सप्लाई को मैंने ये लगा कर ओपन कर इधर से चला दिया, यहाँ से चलाकर मैंने ये पीछे जो हमारी वायर आती है ये 220 की मैंने यहाँ से निकाल दी, यहाँ लगा कर इसको मैंने जेक लगा कर टंक लगा दी, जैसे भी है इसको ऑन करा दिया, ठीक हो गया मेरा भाई। और इसके अलावा ये जो मेरा इस तरफ आ जाओ इस तरफ आ जाए, ये मेरा आ गया एलसीडी का सिस्टम, ये मेरी एलसीडी हो गई। और इसके साथ मैंने ये वाला जो बोर्ड है ना, ये पैनल जो है ना, ये पैनल मेरा किसी तरह मसलन इसके ऊपर सेट नहीं होता, तो फिर मैंने सोचा इसको इस तरफ लगा कर ऐसे लगा कर, तो ये मैंने जैक इस तरफ लगा दिया, इसको जो ना टांके इसके अंदर से उतारे उल्टा करके इसको इस तरफ लगाया, और साथ में ये वाला जैक भी मेरा ऐसे ही मैंने उल्टा करके लगाना पड़ा मुझे, ये लगा दिया, और ऐसे मेरा ये फाइंडर जो ना तकरीबन चल गया। तो रात मैंने बैटरी के ऊपर चलाया इसको, तकरीबन हमारे गांव में इधर शहर में ना जो हमारे इधर बत्ती अंधेर और बारिश की वजह से बत्ती लाइट भी बंद हो गई थी, इसलिए मैंने फिर रात आपको वीडियो नहीं भेजी। तो वो मैंने ये सोचा कि चलो सुबह भाई को भेजता हूँ, तो वो एक घंटा
25 से 30 मिनट तक मैंने इसको चलाकर देखा, बैटरी के ऊपर बेहतरीन वर्क कर रहा है। एच के भी चैनल, वी के भी चैनल, सब चैनल जो है हमारे ओके थे। तो बस ये ही मैंने आपको वीडियो बनाकर भेजी और ओपन की भी आपको भेज दिए, भेजता हूँ आप देख लें। और साथ मुझे ये इसका एक नॉर्मली मसला है, इसलिए मैंने बोर्ड ये जो पैनल इसलिए लगाया, मुझे इसका जो ना सेंसर लगाने का तरीका नहीं आता था। सेंसर जहाँ से काट कर उसके टांके वगैरह मतलब लगाने का इधर नहीं सी बोर्ड के ऊपर, जो मुझे नहीं मालूम था कहाँ लगना, इसलिए मैंने ये पैनल लगाया। और मुझे शौक था चलो ये मुकम्मल लग जाए, लाइट वगैरह नज़र आ जाती है, इसलिए मैंने भाई मेरे ये मुकम्मल बना कर तो आपको ये दिखाने के लिए मैं टेक्निकल या बोले भाई आप अपना नाम बताएं। और ये मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मेरे पास ही है ना, ये देखें मेरे पास पड़ी है ऐसे कि ये 1, 2, 3, 4, 5 पड़ी है। ये इनके जो ना अंदर से किसी का बोर्ड खराब है, एक तो बिल्कुल ओके, एक दूसरे नंबर पे ये भी एक ओके है। ये इसका मैंने ना मसला ये बना कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है, ये हैं, ये देखें ये आउट है, इन नहीं है, ये बिल्कुल ऑन थी, मैंने बिल्कुल ऑन जो ना करके दिखाई थी आपको, तो इसलिए ऑन है, ये ऑन थी, इसकी बैटरी मैंने निकाल के दूसरे को लगा दी दूसरी डीवीडी को, तो ये भी इसकी डिस्प्ले ठीक है, स्क्रीन ठीक है। और इनके अंकल जो मेरा भाई वो होते हैं ना पेपर होते हैं, वो जैक जिसको बोलते हैं ब्रिक ब्रिक वाले वायरें, वो जैक बहुत डिफरेंट है, एक का और दूसरे का और, वो कहाँ से हम दें मेरा भाई, वो इसका ज़रा बताएँ, ये मुझे समझ आ रही ना क्या। बस ये मेरे पास बड़ी पड़ी है, ये देखो 12-13 इंच की, इसका भी बोर्ड का मसला था, मैं बस यही शुरू कर। और ये वाले जो जैक होते हैं ना मेरे भाई कौन से, ये जो जैक होता है ना, ये किसी का किसी तरह का, ये कहाँ से मिलेगा मुझे, ये मिल जाएगा एक दो फेंडर में और बना सकता हूँ। ये देखिए ये वाला फैन है, ये जैक ब्रिक पेपर वाला होता है, ये नहीं मुझे कहीं मिल रहा, इसलिए मैंने ना वो बस ऐसे ही जुक तुक लगा कर बना दिया। मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।